Hey guys, welcome back again to our town, Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का countdown लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। नंबर वन, संजय लीला भंसाली अपनी अगली फिल्म रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ बनाने जा रहे हैं। फिल्म का फिलहाल लव एंड वॉर नाम से बुलाया जा रहा है, इसका यही टाइटल है। अब ऐसे में लेटेस्ट जानकारी सामने आ रही है पिक्चर की शूटिंग से लेकर। बताया जा रहा है कि इस मूवी की शूटिंग करीब 200 दिनों से ज्यादा तक चलेगी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से शुरू होनी है। नंबर टू, स्त्री 2 में शाहजहां बनकर अभिषेक बनर्जी के साथ अक्षय कुमार ने जो रोमांस दिखाया है उसे लोगों ने खूब पसंद किया। अब खबर है कि अक्षय के इस कैरेक्टर पर अलग फिल्म बन सकती है। जी हां, फिल्म के राइटर ने कहा है कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर पर एक स्पिन ऑफ बनाया जाएगा। नंबर 3, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 यानी कि पुष्पा द रूल इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस पिक्चर को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है। पिक्चर 6 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। इसी बीच दूसरे पार्ट में अल्लू अर्जुन के लिए 3 बड़े खतरे तैयार हो रहे हैं। अल्लू को करना होगा मंगलम श्रीनु का सामना, पुष्पा राज के सौतेले भाई से होगा फेस ऑफ और तीसरा भंवर सिंह शेखावत से भी होगा महाक्लैश। नंबर 4, साउथ एक्टर नानी को लेकर एक खबर फैल रही है कि वो प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD के सिक्वल में भी नजर आने वाले हैं। नानी ने पिंक विला के साथ इंटरव्यू किया जिसमें उनसे कल की 2898 AD के सिक्वल में कैमियो होने की बात की है। जी हाँ, इस पर बात करते हुए नानी ने बताया कि ये केवल अफवाह है, उनसे इस फिल्म को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है, ना ही कैमियो के लिए फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने किसी भी तरह का कोई कॉन्टेक्ट किया है। नानी ने कहा, हम सब बहुत क्लोज हैं इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, हमने कभी भी फिल्म में कैमियो को लेकर कोई बात नहीं की है। नंबर 5, श्रद्धा कपूर राजकुमार राव स्टार फिल्म स्त्री 2 का कलेक्शन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, सैकनेल की रिपोर्ट के मुताबिक स्त्री 2 ने दूसरे हफ्ते के मंडे को 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। इसके साथ ही एक बार फिर से इसने कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है। स्त्री 2 ने भारत में अब तक 401 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। नंबर 6, अभिषेक बच्चन ने अपनी फिल्म धूम के 2 दशक पूरे होने पर बात की है और इंडस्ट्री में चल रही धूम 4 की अफवाहों पर अपना सुझाव भी दिया है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि शाहरुख खान को फिल्म के लिए साइन किया गया है। इस बात पर अभिषेक ने कहा कि उदय चोपड़ा और मैं धूम हैं। हमारे निर्माता आदित्य चोपड़ा ने सजेशन दिया कि हम अपने सिनेमा में एक्शन फिल्में फिर से बनाने का कोशिश करें। नंबर 7, भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से अलग होने के बाद नताशा स्टैनकोविक आए दिन सोशल मीडिया पर कोई न कोई नया पोस्ट शेयर कर रही हैं। अब एक बार फिर से नताशा ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने प्यार के ऊपर कई सारी बातें की हैं, ज्ञान दिया है। नताशा स्टैनकोविक के इस पोस्ट पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। इस स्टोरी के सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर हलचल बढ़ गई है। नंबर 8, रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल एक बार फिर चर्चा में है। एक्टर की फिल्म पर अब निर्माता निर्देशक फरहान अख्तर ने अपना रिएक्शन दिया है। फरहान ने कहा कि एनिमल में रणबीर कपूर का काम शानदार है लेकिन उस कैरेक्टर में ही कोई दिक्कत है, मैं इस तरह की फिल्म को प्रोड्यूस नहीं करता। नंबर 9, शाहिद कपूर अपनी फिल्म देवा की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म के सेट से एक्टर का वीडियो सामने आया है। वीडियो में शाहिद सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। यूजर्स इस वायरल वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। नंबर 10, लगभग 2 साल पहले बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा ने दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। आमिर खान ने इतने लंबे समय के बाद फिल्म के फ्लॉप होने की असली वजह बताई है। आमिर खान ने खुलासा करते हुए बताया कि लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने का कारण उनका परफॉर्मेंस था, यही वजह थी कि लोगों ने इस फिल्म को ज्यादा प्यार नहीं दिया। नंबर 11, कंगना रनौत और आर माधवन स्टार तनु वेड्स मनु का आएगा तीसरा पार्ट। जी हाँ, तनु वेड्स मनु 3 को लेकर जब आनंद एवराय से सवाल किया गया तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, हम इस समय स्टोरी पर काम कर रहे हैं। आनंद एवराय ने इस बारे में जानकारी ज्यादा नहीं शेयर की लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में फिल्म के तीसरे पार्ट के बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नंबर 12, एक्ट्रेस नेहा धूपिया आज 27 अगस्त 2024 को अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं। एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनके पति और एक्टर अंगद बेदी ने कमाल का वीडियो शेयर किया है जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा है। नंबर 13, सिद्धांत चतुर्वेदी की युद्धरा की रिलीज डेट सामने आ गई है। सिद्धांत चतुर्वेदी और मालविका मोहनन की फिल्म युद्धरा 20 सितंबर 2024 को थिएटर्स में रिलीज होगी। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसे मॉम फेम रवि
उद्यावर ने डायरेक्ट किया है। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। नंबर 14। नेटफ्लिक्स की सीरीज कोहरा के दूसरे सीजन का शूट शुरू हो गया है। मिड डे में छपे रिपोर्ट के मुताबिक मोना सिंह भी इस सीजन का हिस्सा होंगी। उन्होंने पंजाब में शूट शुरू कर दिया है। कोहरा का दूसरा सीजन भी रणदीप झा ही डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले सीजन में सुमिंदर विक्की के साथ वरुण सोबती और हरलीन सेठी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आए थे। नंबर 15। दुलकर सलमान के साथ कुरूप बनाने वाले डायरेक्टर श्रीनाथ राजेंद्र भारत के मशहूर ठग धनी राम मित्तल पर एक हिंदी फिल्म बनाने जा रहे हैं। उन्हें सुपर नटवर लाल और इंडियन चार्ल्स शोभराज के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म से राजेंद्र अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। ये एक बायोग्राफिकल थ्रिलर ड्रामा फिल्म होगी। साल 2025 की शुरुआत में फिल्म फ्लोर पर जाएगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।